85,000 हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। 2012 का मॉडल है, प्लस पेट्रोल सीएनजी कार रहने वाली है। 2008 की है, पेट्रोल सीएनजी है, इसकी प्राइस 125 है। और ये सिलेरियो भी पेट्रोल सीएनजी रहने वाली है के? और पेट्रोल सीएनजी है, ये भी पेट्रोल सीएनजी और कंपनी सीएनजी है, कंपनी फिट हुई सीएनजी है। तो हुंडई की सेंट्रो गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल सीएनजी कार है, का है पेट्रोल सीएनजी है, सेकंड ये भी पेट्रोल सीएनजी, पेट्रोल सीएनजी का धमाका लगा हुआ है। गाइज व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। और गाइज आप देख रहे हो अपने भाइयों का चैनल भार्गव ब्लॉग्स। तो गाइज फिर से एक बार अपडेटेड स्टॉक की वीडियो लेकर हम आ चुके हैं गणेश कार मेलो में। और आज हमें फिर से एक बार ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ के ओनर आकाश भाई। आकाश भाई कैसे हो? मजा में भाई। अपनी फैमिली को हेलो कर दीजिए। हेलो। तो आकाश भाई आज अपने यहाँ कौन कौन सी गाड़ियाँ रहने वाले? वैगन आर है, अल्टो है, डिजायर है, 20 है, सब गाड़ी आपको सब दिखा देंगे। मल्टी ब्रांड कंपनियों की कार आपको देखने को मिल जाएगी। बजट स्टार्टिंग कहाँ से? 85,000 से बजट स्टार्टिंग है। 85,000 से बजट स्टार्टिंग है। और कहाँ तक जाता है अपनी रेंज हाई? हाई में 6.5 लाख। 6.5 लाख। और अपने न्यू फैमिली मेंबर ऐड हुए हैं, उनको आइडिया नहीं होगा, यहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटी होगी? हाँ, फाइनेंस फैसिलिटी हो जाएगी, 2013 के बाद की लोगे तो हो जाएगी। ओके। और काफ़ी लोग के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमको गाड़ी लेनी हो तो डाउन पेमेंट कितना भरना रहता है? वो तो आपकी लोन पे आधार है, जितना आपका लोन हो जाएगा उसके डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। गाड़ी की वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ। और आपके पेपर के ऊपर? पेपर पे। ओके। पेपर खास। ओके। तो गाइस ये थी यहाँ की कुछ स्पेसिफिकेशन, तो आप कीजिए यहाँ का वॉक अराउंड एंजॉय कीजिए, उसके बाद एक एक गाड़ियों की डिटेल्स देते हैं। तो गाइज आपने यहाँ का वॉक अराउंड एंजॉय किया, अब देते हैं एक एक गाड़ियों की डिटेल। हमारी फर्स्ट कार मारुति सुजुकी ब्रांड की वैगनर रहने वाली है। क्या डिटेल्स रहने वाली? 2004 की है, प्योर पेट्रोल है। हाँ? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चालू है, गाड़ी बहुत अच्छी है, जेन्युइन है। इसमें चालू है? हाँ चालू है। और कितनी रहेगी इसकी आस्किंग? 85,000 हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। और गाइज 2004 के हिसाब से गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, बहुत ही डिसेंट कंडीशन में गाड़ी है। अब गाड़ी के टायर्स की कंडीशन की बात की जाए तो 90% टायर्स भी अभी रनिंग है। गाइज अगेन हमारी एक मारुति सुजुकी ब्रांड की कार आ चुकी है, जो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा अफोर्ड कर दी है। आकाश भाई क्या डिटेल्स रहने वाली इसकी? ये 2012 की है, पेट्रोल सीएनजी है। पेट्रोल सीएनजी है ना? हाँ पेट्रोल सीएनजी। ओके। सेकेंड ओनर गाड़ी है और इसकी प्राइस है 1,95,000। 1,95,000 हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। 2012 का मॉडल है, प्लस पेट्रोल सीएनजी कार रहने वाली है। गाइस गाड़ी की कंडीशन भी आप देख सकते हो, K10 इंजन है, K10 इंजन रहने वाला है। और 195 हमने इसकी डिमांड रखी है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपका रिगार्ड रखा जाएगा। गाइस अगेन फिर से आ चुकी है पेट्रोल सीएनजी वाली कार, ये कौन सी कार रहने वाली है? डस्टन कंपनी के रेडी गो है। 2017 का 11 महीना है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पेट्रोल सीएनजी है, सीक्वेंस किट में, सीक्वेंस किट लगी हुई है। सीक्वेंस किट लगी है। ओके। और 2,45,000 प्राइस है इसकी। 2,45,000 हमने इसकी डिमांड रखी है। ये गाड़ी नई कितने की आती होगी? ये गाड़ी नई 5 लाख के आसपास। गाइस नेक्स्ट हमारी एक मारुति सुजुकी ब्रांड की कार आ चुकी है, हैचबैक कार ही है। क्या डिटेल्स रहने वाली है? मारुति की जेन एस्टीलो गाड़ी है, 2008 की है, पेट्रोल सीएनजी है, इसकी प्राइस 125 है। 2008 का मॉडल है, 1,25,000, उसमें भी नेगोशिएबल होगा। इस बैक टू बैक हैचबैक और मारुति सुजुकी ब्रांड का स्टॉक दिखा रहे हैं। फिर से हमारी एक बार आ चुकी है सिलेरियो। 2017 की है, पेट्रोल सीएनजी है, ये भी पेट्रोल सीएनजी। गाइस बैक टू बैक हमने 3 से 4 गाड़ी आपको पेट्रोल सीएनजी वाली दिखाई, और ये सिलेरियो भी पेट्रोल सीएनजी रहने वाली है। क्या अब डिटेल्स रहेगी इसकी? इसका 4,60,000 प्राइस है। 4,60,000। फर्स्ट ओनर का, फर्स्ट ओनर कार है, 2017 का मॉडल है। 2017 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है, ग्रे कलर के साथ गाड़ी बहुत ही शाइन कर रही है। गाइज अपने पास जेन एस्टेलो में 2 ऑप्शन रहने वाले हैं, एक पिंक कलर में, एक रेड कलर में। अब रेड कलर वाले की डिटेल्स जानते हैं आकाश भाई के साथ। आकाश भाई क्या रहने वाली है इसकी डिटेल्स?
ये 2010 का मॉडल है, 10 का 11वां महीना है। ओके। और पेट्रोल सीएनजी है, ये भी पेट्रोल सीएनजी और कंपनी सीएनजी है, कंपनी फिट हुई सीएनजी है। अगर गाइस किसी को पेट्रोल सीएनजी वाली कार चाहिए तो विजिट कीजिए गणेश कार मेलो में। और कंपनी सीएनजी है, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस चालू है। ओके। और गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, जेन्युइन गाड़ी है, पूरी नीट और क्लीन मिंट कंडीशन में गाड़ी है। सब देखते हो कि वो टायर सब नया है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है टायर। तो क्या आस्किंग रहने वाली है? 220 प्राइस है इसकी, उसमें हो जाएगा 220,000 हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। उसमें भी आप अपनी ऑफर दे सकते हो, बेस्ट ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। गाइस जिस हिसाब से अभी पेट्रोल का प्राइस चल रहा है, लोग उस हिसाब से पेट्रोल सीएनजी कार ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। उसके लिए हम आपके लिए बहुत सारी पेट्रोल सीएनजी कार लेके आ चुके हैं। फिर से हमारी एक बार पेट्रोल सीएनजी वाली कार आ चुकी है। आकाश भाई क्या डिटेल्स रहने वाली है? सेंट्रो, हुंडई की सेंट्रो गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल सीएनजी कार है। Okay. और फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस भी चालू है, थर्ड बीमा। और इसकी प्राइस है 260,000 2012 का। और फ्रेंड्स इस गाड़ी की भी आप कंडीशन देख सकते हो, बेस्ट कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। आकाश भाई का नंबर वीडियो स्क्रीन पे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उनके साथ आप बात करके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट कार एक हमारी सेडान कार रहने वाली है, मारुति सुजुकी ब्रांड की स्विफ्ट डिजायर। ओके। क्या डिटेल्स रहने वाली? 2009 का है, पेट्रोल सीएनजी है, ये भी पेट्रोल सीएनजी, पेट्रोल सीएनजी का धमाका लगा हुआ है गाइज। और सेकेंड ओनर है और इसकी प्राइस है 2,85,000। 2009 का मॉडल है, 2,85,000 हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। उसमें भी आप अपनी गाइस ऑफर दे सकते हो। गाइस आपको गणेश कार मेलो में 365 डे स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल देखने को मिलेगी। सही बात है ना? सही बात है। क्या रहेगी इस स्विफ्ट डिजायर की डिटेल? 2015 की बनी हुई है और 16 में छूटी हुई है। मैन्युफैक्चर 15 की है और 16 की रजिस्ट्रेशन है। और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डीजल कार है, इसकी प्राइस 5,30,000 है। 5,30,000 हमने इसकी डिमांड रखी है। इंश्योरेंस नहीं है ना? इंश्योरेंस। ओके। और डीजल पेट्रोल? डीजल वेरिएंट रहने वाला है। गाइस अपने पास स्विफ्ट डिजायर में यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगेन हमारी आ चुकी है स्विफ्ट डिजायर। क्या रहेगी अब इसकी डिटेल? ये 2016 की है, डीजल कार है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इसकी प्राइस 5,50,000 है। मतलब अपने पास 2016 में दो स्विफ्ट है, दोनों सेम वेरिएंट है, दोनों डीजल ही है। उसकी प्राइस 530 थी, इसकी 550 है। 550। इसमें इंश्योरेंस है कि नहीं है? इसमें भी गाइस आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हमने इसकी डिमांड रखी है 5,50,000। 2016 का वेरिएंट रहने वाला है। नेक्स्ट कार हमारी हुंडई ब्रांड की सेडान कार रहने वाली है। हुंडई की कौन सी है? एक्सेंट कार है। एक्सेंट 2017 की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डीजल कार है और इसका प्राइस 5,40,000। 2017 का वेरी मॉडल रहने वाला है, 5,45,000 हमने इसकी डिमांड रखी है। और गाइस पेट्रोल है, कौन सा है? डीजल है। डीजल वेरिएंट रहने वाली। ये नई कितने की आती होगी? नई 9 से 10 लाख के आसपास। और ये यहाँ पे अपने को 5,45,000 में मिलने वाली है। गाइस इस गाड़ी की भी आप कंडीशन देख सकते हो, ब्रांड न्यू कंडीशन में यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। नेक्स्ट कार हमारी होंडा सिटी रहने वाली। क्या डिटेल्स रहने वाली इसकी? 2016 की है, फर्स्ट ओनर कार है, डीजल है और इसकी प्राइस है 6,50,000। 2016 की फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट रहने वाली है। 6,50,000 हमने इसकी डिमांड रखी है। उसमें भी गाइस बेस्ट ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। होंडा सिटी में अपने पास दो ऑप्शन है, चलते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हमारी एक होंडा सिटी आ चुकी है। अपने पास होंडा सिटी में अपन ने बताया कि दो ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन जानते हैं इसकी क्या डिटेल्स रहने वाली है। ये 2017 का मॉडल है, टॉप मॉडल है और पेट्रोल गाड़ी है। वो डीजल थी, ये पेट्रोल रहने वाली और ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल गाइस मतलब इसमें आपको पुश स्टार्ट इंजन मिलने वाला है, अलॉय व्हील्स मिलेंगे, स्टेयरिंग कंट्रोल और एक्स्ट्रा जितने भी एयरबैग के साथ जितने भी लोडेड फीचर्स आते हैं वो सब इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट ओनर। ओके। इंश्योरेंस चालू है? नहीं है। इंश्योरेंस चालू है। ओके। कितनी रहेगी इसकी डिमांड? 8,75,000 हमने इसकी डिमांड रखी है। और गाइज इस गाड़ी की भी आप कंडीशन देख सकते हो, शोरूम कंडीशन में गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। नेक्स्ट कार हमारी फिर से आ चुकी है, हैचबैक कार है, हुंडई ब्रांड की i20। क्या डिटेल्स रहने वाली है? ये 2014 की है, सेकेंड ओनर है, इसमें डीजल कार है। ओके। ये i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट है। गाइस इस गाड़ी में भी आप देख सकते हो अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। कितनी रहेगी इसकी डिमांड?
3,90,000 प्राइस है। 2014 का मॉडल है, 3,90,000 हमने इसकी डिमांड रखी है। और गाइज यहाँ पे अपने पास i20 कितनी है, 3 से 4 i20। गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा उसकी वजह से हम वीडियो में एक ही i20 कवर कर रहे हैं। वैसे तो अपने पास हर एक कार में देखने को मिल जाएगी, डीजल में भी है, ओके दोनों ऑप्शन है अपने पास। गाइस वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले हम एक छोटे बजट वाली छोटे सेगमेंट की कार की डिटेल्स देते जाते हैं। आकाश भाई क्या डिटेल्स रहने वाली है? ये होंडा ईयोन है, ओके 2012 का मॉडल है, ओके प्योर पेट्रोल है, पेट्रोल वेरियंट है। पेट्रोल गाइस हमारे वीडियो में ये पहली सेकेंड कार होगी जो पेट्रोल वेरियंट, बाकी ऑलमोस्ट डीजल और सीएनजी ही थी। क्या कितनी रहेगी इसकी डिमांड? 2,25,000 2012 का मॉडल है, कितने ओनर? सेकेंड ओनर का, सेकेंड ओनर, और हमने इसकी डिमांड रखी है 2,25,000। आकाश भाई का नंबर वीडियो स्क्रीन पे भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जिस किसी को भी गाड़ी परचेस करनी हो उनके साथ बात करके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच आकाश भाई जिन्होंने इतनी गर्मी में हमको इतनी सारी गाड़ियों की डिटेल्स बताई। वेलकम। तो आज की वीडियो एंड करते हैं।